हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन का स्पंजी और जालीदार ढोकला। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ लिया है मैंने एक बाउल और लिया है एक कप बेसन। थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है। आधा छोटा चम्मच खाना सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, एक चम्मच नमक और एक चम्मच शुगर अच्छे से मिलाएंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। पानी ज़्यादा एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ लिए कढ़ाई, इसमें 1.5 या 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ लिए मैंने एक टिन। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। और अब यहाँ डालेंगे एक चम्मच ऑयल और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ लिया मैंने एक इनो का पैकेट, 1/2 लेमन और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे, इनो मिलाने के बाद हमें इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखना नहीं है। अब हम इसे जल्दी से स्टीम कर लेंगे। अब हम बैटर को ग्रीस की हुई टिन में डाल देंगे। और इसको हल्का सा टैप करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। यहाँ लिया मैंने एक स्टैंड और ढोकले को स्टीम होने के लिए रख देंगे। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद चेक करके देखते हैं। अगर हमारा नाइफ क्लियर आ रहा है तो ढोकला हमारा तैयार है। ये देखिए, हमारा नाइफ एकदम क्लियर है तो ढोकला हमारा तैयार है। अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तड़का बनाने के लिए यहाँ लिया एक पैन, डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने, करी लीव्स, 2-3 हरी मिर्चें और 1/2 कप के करीब पानी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच शुगर और 1/2 लेमन। तड़का हमारा तैयार है। दोनों को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसे निकाल लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे जिसे अच्छे से निकला है। ये देखिए, ढोकला हमारा एकदम स्पंजी बना है। अब इसे कट कर लेंगे। ढोकला हमारा एकदम स्पंजी और कितने अच्छे से जालीदार बना है।
और अब ऊपर से तड़का डाल देंगे। ये देखिए हमारा जालीदार और स्पंजी ढोकला तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।